सो इट मीन्स कि जब इनके नॉर्मल्स पैरेलल हैं तो इनके डायरेक्शन रेशियोज सेम हो जाएंगे। तो इस वाले के भी हमने आई प्लस जे प्लस के ले लिया और इसको इक्वल टू हमने मान लिया पी, कि ये प्लेन जो है वो इसके पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन विल बी ऑफ द फॉर्म आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू पी। अब उसने क्या कहा कि जो हमारा प्लेन वन है वो कहाँ से पास कर रहा है, ए बी सी से पास कर रहा है। दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू ए बी सॉरी दिस प्लेन जो है दैट इज पासिंग थ्रू ए बी एंड सी। अब वो प्लेन क्योंकि ए बी सी से पास कर रहा है, इस मीन्स कि जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो हम ए लेंगे, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो बी लेंगे, जेड कोऑर्डिनेट जो है वो सी लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है हम अगर लें, आर को हम रिप्लेस करें एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ये चीज आपकी एज इट इज, तो हमारे पास गिवन है कि ए बी सी से वो प्लेन पास कर रहा है। इट मींस ए बी सी जो है वो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जब हम यहाँ पे ए बी सी से इसको रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके पी की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी। अब ये मेरे पास पी की वैल्यू आ गई। अब ये पी की वैल्यू जो है हम पुट करेंगे इसको इक्वेशन वन ले लो। अब इस इक्वेशन वन में ये पी की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। सो वी विल बी हैविंग रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इज इस समय भाई नहीं फिर अच्छा सुमिति उनको कहना मैसेज डाल देंगे मेरी क्लास चल रही है सी सेक्शन में। हाँ जी मैसेज डलवा देंगे। सो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आ गया हमारे पास पी। अब ये पी की वैल्यू हम इस इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो वी विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इज आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हमारे पास आ गया कि जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन था जिसकी इक्वेशन हमें चाहिए थी। सो दिस इज द रिजल्ट। आप प्लेन गिवन था, इसके पैरेलल प्लेन हमने निकालना था, तो दैट विल बी ऑफ द फॉर्म ये चीज एज इट इज रहेगी। इक्वल टू जो डिस्टेंस हम लेके चलते हैं जस्ट वो चेंज होगा, तो उसको मैंने इक्वल टू पी मान लिया। अब इस प्लेन के ऊपर मुझे पॉइंट ए बी सी गिवन था, ये पॉइंट ए बी सी क्योंकि इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे पुट करके मेरे पास पी की वैल्यू आ गई ए प्लस बी प्लस सी। ये पी की वैल्यू आप दोबारा से इक्वेशन वन में डालेंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला पता है जो हमें यहाँ पे इक्वेशंस गिवन है लाइंस की, दैट इज ऑफ द फॉर्म आर वन आर इज इक्वल टू ए वन प्लस लैम्डा। फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है उसको ए वन प्लस लैम्डा टाइम्स बी वन की फॉर्म में ले लेना, और जो सेकेंड वाली इक्वेशन है दैट विल बी ऑफ द फॉर्म म्यू टाइम्स बी टू। ए वन है आपके पास, ए टू है आपके पास, बी वन है आपके पास, बी टू है आपके पास, ये सब आपको इक्वेशंस में गिवन है। तो इनको जो है यूज करके आपने क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला यू नो दैट इज ए टू माइनस ए वन, इसका डॉट प्रोडक्ट विद बी वन क्रॉस बी टू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू। और क्योंकि ये डिस्टेंस है तो दिस विल बी इन द मॉड्यूलस की डिस्टेंस जो है वो हमेशा हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो आपने इसका ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 516 एंड 341 क्रॉसेस द वाई जेड प्लेन। मैं बुक वाले मेथड से नहीं करवा रही हूँ ये, तो इसमें हम जो है सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले स्टेटमेंट समझो देन वी विल यूज स्टेटमेंट। अगर आपको समझ आ गई तो यू कैन डू इट योरसेल्फ आल्सो। मुझे क्या निकालना है, आई हैव टू फाइंड आउट द
कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 516 एंड 341। तो मान लो ये लाइन मेरी है जो पास कर रही है फ्रॉम द पॉइंट 516 एंड 341। अब मुझे ये बताना है कि लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट क्रॉसेस द जेड एक्स प्लेन। तो ये मैंने प्लेन मान लिया, जेड एक्स प्लेन ले लिया, किसी भी तरीके से आप ले सकते हो। अब मुझे ये बताना है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 516 एंड 341 क्रॉसेस द वाई जेड प्लेन। तो मान लो ये पॉइंट ले लिया मैंने कि इस पॉइंट पे जो लाइन है वो क्रॉस कर रही है वाई जेड प्लेन को। अब लाइन जो है वाई जेड प्लेन क्योंकि मुझे गिवन है तो मुझे ये पता है कि वाई जेड प्लेन पे, भव्या म्यूट योर सेल्फ बच्चे। अब मुझे ये पता है कि वाई जेड प्लेन पे जो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी 0। तो मुझे क्या करना है, इनको एज्यूम कर लेना है कि जो लाइन है, देखो अगर मुझे ये प्लेन गिवन है इसमें से अगर मैं कहूँ कि लाइन पास कर रही है तो लाइन जो है वो इस तरीके से पास करेगी, यानी कि ये एक पॉइंट से लाइन जो है वो पास कर रही है। तो इस पॉइंट के मुझे क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो ये पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि जो ये हमारी लाइन है ये प्लेन को जब इंटरसेक्ट कर रही है तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा लाइन के पॉइंट को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो लेमडा रेशियो 1। जैसे हम 10th में करते होते थे सेम वे वी आर फॉलोइंग कि लेट अस सपोज कि जो ये वाला पॉइंट है जहां से लाइन प्लेन को पास कर रही है, ये वाला पॉइंट जो है दिस इज डिवाइडिंग द गिवन लाइन सेगमेंट इन द रेशियो लेमडा रेशियो 1। तो मुझे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, यू नो 341 और 516। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारे पास एक्स के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे दैट विल बी 3 क्रॉस में, यू नो हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स वाले पहले कोऑर्डिनेट्स लेंगे फिर वाई वाले लेंगे देन जेड वाले लेंगे। तो 3 लैम्डा इंटू 5 प्लस 5 हो जाएगा अपॉन में सम ऑफ रेशियो, देन वाई की वैल्यू आएगी हमारे पास 4 लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा प्लस 1 एंड देन जेड विल बी लैम्डा प्लस 6 अपॉन लैम्डा प्लस 1। सेक्शन फॉर्मूला लगाया हमने, आपके पास फॉर्मूला होता था सेक्शन फॉर्मूला आप करते थे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n देन my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n एंड mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। तो सेम चीज हमने यहाँ पे लगा दी। तो x आ गया हमारे पास, y आ गया और z आ गया। अब उसने क्या कहा कि दिस प्लेन जो हमें गिवन है दैट इज द वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन मीन्स इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट विल बी 0। तो हम क्या करेंगे, इसके एक्स कोऑर्डिनेट को पुट कर देंगे इक्वल टू 0। जब आपने इसके एक्स कोऑर्डिनेट को 0 पुट किया तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये टर्म उधर जाके आपकी 0 हो जाएगी, मीन्स वी आर लेफ्ट विथ 3 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू -5/3। तो लैम्डा आ गया आपके पास -5/3। सो ये आपके पास लैम्डा आ गया। अब लैम्डा है हमारे पास तो हमने क्या करना है, सिंपली वैल्यूज पुट करनी है इनमें और यू विल गेट योर आंसर। सो दिस विल बी योर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस। वहां पे बस डिफरेंस क्या है कि आपको जेड एक्स प्लेन गिवन है, जेड एक्स प्लेन गिवन है तो इट मींस कि आपने वाई कोऑर्डिनेट को 0 पुट करना है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें गिवन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 3 -4 -5 एंड 2 -3 एंड 1 क्रॉसेस द प्लेन 2x + y + z = 7। तो सेम वे में आपने प्रोसीड करना है यहाँ पे। अब इसी तरीके से आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। अब वहां पे क्या गिवन है कि जो लाइन है दैट इज क्रॉसिंग द प्लेन 2x + y + z = 7। तो उसमें क्या है, मुझे प्लेन की इक्वेशन गिवन है। तो हमारे पास जब इस तरीके से एक्स वाई जेड पॉइंट्स आ जाएंगे, हमने क्या करना है, ये एक्स वाई जेड पॉइंट्स जो है यहाँ पे पुट कर देने हैं।
आपके पास हर टर्म जो है वो अननोन वेरिएबल लैम्डा की फॉर्म में आ जाएगी। सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा आ गया आपके पास, तो आपके पास एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। लैम्डा आप वापस यहाँ पे पुट करोगे तो यू विल गेट द कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड। तो सेम आपको निकालना था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दीज टू पॉइंट्स क्रॉसेस द प्लेन। या फिर दूसरा मेथड है, आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लो पहले, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट लेमडा ले लो, वहां से एक्स वाई जेड निकाल लो, सेम कोऑर्डिनेट्स आएंगे। अगर वो नहीं समझ आ रहा सेक्शन फॉर्मूला लगा लो, सेक्शन फॉर्मूला नहीं समझ आ रहा तो, सेक्शन फॉर्मूला अगर नहीं समझ आ रहा तो आपने क्या करना है वहां पे, आप डायरेक्ट लगा लो, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेना, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। सो यहाँ से क्या होगा, इसको इक्वल टू लैम्डा पुट करोगे। अब यहाँ पे जो है ये जो भी वैल्यू आएगी आपकी, इस इक्वेशन से मैं बता देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब x माइनस एक्स वन, किसी भी एक पॉइंट को आप x माइनस एक्स वन ले सकते हो, देन x टू माइनस एक्स वन इज टू एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका टू लैम्डा प्लस फाइव, y इक्वल टू सेम वे में आप लोगे y माइनस वन अपॉन माइनस थ्री इक्वल टू लैम्डा लोगे तो y आ जाएगा आपका माइनस थ्री लैम्डा प्लस वन। सेम वे में आप z ले लोगे और इसको जब आप उस वे में प्रोसीड करोगे देन यू विल गेट योर आंसर। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो या आप अगर चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। तो आंसर अल्टीमेटली जो आप लास्ट में पॉइंट्स निकालोगे दैट विल बी सेम। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद करोगे। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में वी आर गिवन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट माइनस वन थ्री एंड टू। इक्वेशन ऑफ प्लेन आपने निकालनी है जो एक पॉइंट से पास कर रही है। सो वेन एवर वी आर हैविंग द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट, तो हम क्या लेके चलते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन, दैट इज ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन, बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो, वेयर एक्स वन वाई वन जेड वन आपके पॉइंट्स होते हैं जहां से जो आपकी इक्वेशन है प्लेन, मतलब जो आपका प्लेन है वो पास कर रहा होता है। अब ये पॉइंट्स हमें क्या गिवन है, दीज आर गिवन टू बी माइनस वन थ्री एंड टू। तो एक्स माइनस वन, माइनस वन है तो प्लस वन हो जाएगा, बी इंटू थ्री है तो एंड सी इंटू जेड माइनस टू इक्वल टू जीरो। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन वेयर ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। वो हमें नहीं पता क्या है। अब वो क्या कह रहा है कि दिस प्लेन जो जिसकी इक्वेशन हमने निकालनी है, दिस इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू फाइव एंड थ्री एक्स प्लस थ्री वाई प्लस जेड इक्वल टू फाइव। कि जिस प्लेन की इक्वेशन हमने निकालनी है, दिस इज परपेंडिकुलर, मान लो ये मेरे पास एक प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया इसके इस तरीके से, और सेकंड प्लेन जो है वो इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। इनका आपस में जो दो प्लेन्स जिनके साथ हम ले रहे हैं उनका हमें नहीं पता वो आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। हमें सिर्फ ये गिवन है कि जो प्लेन की इक्वेशन हमने निकालनी है, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, एक हमें ये गिवन है, एक दिस इज परपेंडिकुलर टू सम अदर प्लेन। तो वो परपेंडिकुलर प्लेन वो इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, इन दोनों प्लेन्स का हमें कोई रिलेशन नहीं गिवन। तो हमें जिसके साथ वो परपेंडिकुलर गिवन है दैट ओनली वी आर टू टेक। ये हमारा हो गया फर्स्ट प्लेन। अब ये वाला प्लेन जो है परपेंडिकुलर है सेकेंड प्लेन के, सेकेंड प्लेन हमें गिवन है एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू फाइव, यानी कि इसके जो मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज आए वो क्या आ गए, वन टू एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड, वन टू थ्री आ गए।
और इसी तरीके से जो सेकंड वाला प्लेन है दैट इज 3x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 0। तो इसके जो मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज आए वो आ गए 3 3 1। अब देखो जब दो प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, फर्स्ट प्लेन मेरा ये है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द अदर प्लेन, तो मैंने ऐसे अगर ये परपेंडिकुलर लिए तो इनके नॉर्मल्स जो हैं, चॉक्स जो हैं, अगर इनके नॉर्मल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इनके नॉर्मल्स भी क्या हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो वेन एवर द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो नॉर्मल्स जो हैं दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब नॉर्मल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर का मतलब क्या है कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, मुझे क्या गिवन है, दिस प्लेन 1 इज परपेंडिकुलर टू 2 एंड प्लेन 1 इज परपेंडिकुलर टू 3। 2 और 3 मुझे आपस में नहीं पता परपेंडिकुलर है या नहीं है, उनको आपस में आपने नहीं लेना है, ये ध्यान रखना। प्लेन 1 के जो डायरेक्शन रेशियोज है मेरे पास ए बी एंड सी, प्लेन 1 परपेंडिकुलर टू प्लेन 2, 1 परपेंडिकुलर टू 2 इंप्लाइज इनके डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट 0, यानी कि ए प्लस 2 बी प्लस 3 सी इक्वल टू 0। सेम वे में 1 इज परपेंडिकुलर टू 3, तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का भी प्रोडक्ट इक्वल टू 0, यानी कि 3 ए प्लस 3 बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो जब मेरे पास इस तरह से इक्वेशंस आ जाती हैं, दो इक्वेशंस विद 3 वेरिएबल्स, तो उनको हम सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपने 10th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, दोबारा बता देती हूँ मैं इसको, 2 3 1 2 मेथड भी कहते हैं। 2 3 1 2 सीक्वेंस आपको लर्न करना पड़ेगा। अब 2 3 1 2 का मतलब सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म रिपीटेड फॉर द गिवन इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन की फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म। अब 2 मतलब आपने सिर्फ कॉफिशियंट्स लेके चलने हैं, तो ये हो गया हमारा a अपॉन, ये बाद में बताती हूँ मैं, 2 के नीचे 2 वाले कॉफिशियंट्स लिख दो 2 एंड 3, 3 के नीचे 3 वाले लिख दो 3 एंड 1, 1 के नीचे 1 वाले लिख दो। कॉफिशियंट्स की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स 1 एंड 3, और लास्ट में पहले वाला रिपीट हो जाता है। उसके बाद हम करते हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई। दोबारा देख लो इसको, जो दो इक्वेशंस आपने सॉल्व करनी है उन दोनों इक्वेशंस की टर्म्स को 1 2 3 नेमिंग दे दो। सीक्वेंस क्या रखना है हमने, 2 3 1 एंड 2। उसके बाद हमने क्या करना है, 2 में जो सेकंड टर्म के कॉफिशियंट्स हैं 2 के नीचे वो लिख दो, 3 के नीचे थर्ड टर्म के कॉफिशियंट्स, 1 के नीचे फर्स्ट टर्म के कॉफिशियंट्स, देन सेकंड टर्म वाले कॉफिशियंट्स रिपीट कर दो, जो भी यहाँ लिखे हैं सेम यहाँ लिख लो। उसके बाद जो हमारे वेरिएबल्स हैं हम उनको ले लेंगे इक्वल टू साइन के साथ, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ प्रोडक्ट ले रहे हैं तो पॉजिटिव, नीचे से ऊपर की तरफ ले रहे हैं तो नेगेटिव। सो दिस इज 2 माइनस 9 इक्वल टू बी आ जाएगा, 9 माइनस 1 इक्वल टू 3 माइनस 6 इक्वल टू सम कांस्टेंट, लैम्डा ले लो के ले लो, वो आपकी मर्जी है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ए अपॉन -7 इज इक्वल टू के, ये भी के इक्वल, ये भी के इक्वल, और ये भी के इक्वल। सो ए -7 यानी कि ए की वैल्यू आ गई -7 के, बी अपॉन 8 इज इक्वल टू के यानी कि बी आ गया आपका 8 के, इसी तरीके से सी अपॉन -3 इक्वल टू के यानी कि सी आ गया आपका -3 के। अब आपके पास ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, ये ए बी सी की वैल्यू जो आपका प्लेन 1 आया था उसमें पुट करो, के कॉमन लेके आपका कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट योर आंसर। हमारी जो प्लेन की इक्वेशन थी दैट वाज ए इनटू एक्स पॉइंट था आपका -1 3 2, सो एक्स प्लस 1 प्लस बी इनटू वाई -3 प्लस सी इंटू जेड -2 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन 1 थी, इसमें अब ए बी सी की वैल्यू पुट करो,
तीनों में के है, के कॉमन लेके एलिमिनेट हो जाएगा, सिंप्लीफाई करके यू विल गेट योर आंसर। ये के कॉमन लेके उधर जाके जीरो हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। सिंप्लीफाई करके यू विल गेट योर आंसर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। सो इफ एनी डाउट इज देयर अप टू दिस पॉइंट यू कैन आस्क, अदरवाइज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार मैंने क्योंकि कैलकुलेशन हरीटली की है, आप कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करिएगा, मेथड अदरवाइज इज दिस वन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें वो क्या कह रहे हैं, इफ द पॉइंट 11P, दो पॉइंट हमें गिवन है, फर्स्ट पॉइंट गिवन है 11P एंड द सेकेंड पॉइंट -301, इफ दीज टू पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन आर डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप -12k कैप प्लस 14 इक्वल टू 0। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों इस प्लेन से अगर इक्विडिस्टेंट है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। यानी कि ये मुझे अगर प्लेन गिवन है तो ये पॉइंट अगर मैं ले रही हूँ प्लेन पे, इस पॉइंट का प्लेन के किसी भी एक पॉइंट से डिस्टेंस, और दूसरे जो है अगर मैंने कहीं पे और कोई पॉइंट ले लिया, चाहे आप इसके पैरेलल ले लो या चाहे कहीं और ले लो, किसी भी उससे ले सकते हो, तो वहां से जो परपेंडिकुलर का अगर मैं डिस्टेंस लेती हूँ तो दैट डिस्टेंस जो है दैट विल बी सेम। तो डिस्टेंसेस आपको पता है दैट आर गिवन बाय ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d = 0 इक्वल टू डी अपॉन में √a² प्लस b² प्लस c². डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x1 y1 z1 फ्रॉम अ प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d = 0 इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। अब प्लेन की इक्वेशन है मेरे पास, इसको मैं अगर चाहूँ तो कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकती हूँ, दिस विल बी 3x प्लस 4y माइनस 12z प्लस 14 इक्वल टू 0। आपने क्या करना है, सिंपली आई जे के कैप वाले हैं जो उनके साथ एक्स वाई जेड लगा दो, और जो आपका डी डिस्टेंस गिवन है, कांस्टेंट टर्म गिवन है, वो एज इट इज लिख लो। अब 11P से इसका डिस्टेंस दैट विल बी 3 × 13 प्लस 4 × 14 माइनस 12P प्लस 14 अपॉन में इनके स्क्वायर्स का सम दैट इज 9 प्लस 16 25 प्लस 144 169 अंडर द रूट विल बी 13। दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेम प्लेन। तो दोनों डिस्टेंसेस हम इक्वेट कर देंगे तो ये आ जाएगा -9, 0 अगला इंटू 0 हो जाएगा, -12 प्लस 14 अपॉन 13। अब एक चीज का आपने ध्यान रखना है, देखो ये तो टर्म आपके पास कांस्टेंट है, इधर आपके पास पी है। अब जब आप इनको सॉल्व करोगे, जब ये मॉड्यूलस का साइन हटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 21 माइनस 12 पी, 13 अपॉन वाले कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू मॉड्यूलस का साइन हटाओगे तो एक तरफ दोनों में से प्लस माइनस लेके चलना है पी की, यानी कि आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। एक बार पॉजिटिव लेके चलोगे, एक बार नेगेटिव लेके चलोगे। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14। इसमें अगर कोई डाउट है किसी को तो यू कैन आस्क, अदरवाइज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां मैंने प्लस 14 लिख दिया है, बुक में 13 था, तो दैट्स व्हाई आपका आंसर मे बी वेरी करेगा, आप 13 से करके देख लेना इसको। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। जब भी मैंने आपको कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको निकालनी है दैट इज पासिंग थ्रू द
लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन प्लेन्स, यानी कि इट मींस कि ये दो प्लेन्स गिवन है, इन दोनों में से पास करने वाले इस प्लेन की इक्वेशन हमें निकालनी है, दिस काइंड ऑफ। तो आपको जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में लेके चलनी होती है, P1 plus lambda times P2 equal to 0। उसके बाद जो कंडीशन गिवन होती है ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इसमें मुझे क्या गिवन है, फर्स्ट प्लेन गिवन है R.I+J+K = 1 एंड R.2I+3J(-K)-4 = 0। अब इसको ध्यान से देखो, एक में हमें कांस्टेंट राइट साइड पे गिवन है, एक में जो कांस्टेंट है वो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है। तो दोनों कांस्टेंट्स वी विल ब्रिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख रही हूँ। फर्स्ट प्लेन मेरा है R.I+J+K(-1), तो दिस विल बी X+Y+Z = 1। मैं इधर लाऊंगी तो -1 = 0। सेकेंड प्लेन मेरा गिवन है R.2I+3J(-K)-4 = 0। तो उसके कोफिशियंट्स ले लोगे तो 2, 3, 4 है, 2, 3 -1 है, तो 2X+3Y-Z इक्वल टू 4 था, +4 = 0 ही था। तो ये आपके पास दोनों प्लेन्स की इक्वेशन आ गई। अब मुझे क्या करना है, इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, और जो इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से प्लेन ये पास कर रहा है, दिस प्लेन इज गिवन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। उसने मुझे क्या कहा, ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस मींस कि जो प्लेन है, अगर प्लेन पैरेलल टू मुझे एक्स एक्सिस गिवन है इस तरीके से, तो इट मींस प्लेन का जो नॉर्मल है दैट विल बी परपेंडिकुलर, ये अगर एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो प्लेन का जो नॉर्मल है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ये प्लेन का नॉर्मल हो गया, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी इक्वल टू 0। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो आई नो दैट आर 1, 0, 0। अब ये मुझे दोनों प्लेन्स गिवन है, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स इज ऑफ द फॉर्म P1 plus lambda times P2। ये सारा आपने लिखना होगा, एनी प्लेन पैरेलल टू द एनी प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 and P2 इज गिवन बाय P1 plus lambda times P2। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, या इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज, दैट इज गिवन बाय, मैं सीधा इसको लिख रही हूँ एक्स कॉमन लेके, 1 plus 2 lambda into x plus 1 plus 3 lambda into y। किसी को ये स्टेप ना क्लियर हो तो पूछ लेना, अनम्यूट कर सकते हो आप अपने आप को, into z plus -1 plus 4 lambda equal to 0। ये हमारा प्लेन P1 है, 1 plus 1 plus 1 और -1 कोफिशियंट्स की बात मैं कर रही हूँ। प्लेन टू है 2, 3, -1 एंड 4। प्लेन टू को हमने लैम्डा से मल्टीप्लाई करना था और फिर इनको ऐड करना था, तो 1 x + 2 lambda x हो जाएगा, उसमें से x कॉमन लिया तो 1 plus 2 lambda। सेम वे में यहाँ पे y plus 3 lambda y होगा, y कॉमन लिया तो 1 plus 3 lambda, z एंड कॉन्स्टेंट्स। अब ये इसके जो डायरेक्शन रेशियोज आए वो मेरे पास क्या आ गए, 1 plus 2 lambda, 1 plus 3 lambda and 1 minus lambda। अब ये वाला प्लेन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल था, यानी कि इनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं नॉर्मल पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो नॉर्मल का जो परपेंडिकुलर सॉरी प्लेन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो प्लेन का जो नॉर्मल है दैट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो ये नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज हैं, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो दोनों के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनका डॉट प्रोडक्ट इज 0। सिंस प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो दिस इंप्लाइज नॉर्मल टू प्लेन इज
परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो 1 + 2 लैम्डा इंटू 1 + 1 + 3 लैम्डा इंटू 0 + 1 - लैम्डा इंटू 0 = 0। ये तो दोनों टर्म्स आपकी 0 बन जाएंगी। यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा आपका -1/2। लैम्डा यहाँ पे पुट करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 एंड 21, 21 नहीं 17, 22 एंड 23 यू विल ट्राई एट होम, और बाकी के क्वेश्चंस वी विल डिस्कस ऑन मंडे। एंड मंडे जब ये हमारा वर्क ओवर हो जाएगा विद द सेम डे वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर 7 इंटीग्रेशन। इफ एनी डाउट इज देयर इन टुडेज लेक्चर यू कैन आस्क, अदरवाइज आई एम जस्ट एंडिंग द मीटिंग। 9C स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, बच्चे यू आर टू ज्वाइन एट 9:40। I will restart the meeting, then you are to join. Plus two, if any doubt is there, bete, you can ask. Otherwise, I am just ending the meeting. 9B and 9C, bache, rejoin the meeting. So 12th standard, thank you. Have a nice day.